जम्मू कश्मीर मिशन कंट्रोल पर 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 जम्मू कश्मीर ग्राइंडिंग और क्या ग्राइंडिंग और क्या ग्राइंडिंग और क्या ग्राइंडिंग मिशन कंट्रोल पर जम्मू कश्मीर और क्या ओला से ये इशू चला रहा है आर के ग्राइंडिंग का, वहाँ पे रेड कैटेगरी इंडस्ट्री वहाँ पे जो लग रही है। हम 2016 से उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। पिछले कुछ दिन पहले हमने डीसी साहब से कंप्लेन की थी कि इस इंडस्ट्री को जो रेड कैटेगरी की है, रेजिडेंशियल एरिया के पास है, इसको बंद किया जाए। उन्होंने एक नोटिस जारी कर एक टीम गठित की जो कि पोल्यूशन डिपार्टमेंट कठुआ और DIC की। उन्होंने लोगों से पूछा कि आप क्या चाहते हैं, सभी लोगों ने यही कहा कि ये रेड कैटेगरी की इंडस्ट्री है, हम इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये रेड कैटेगरी की इंडस्ट्री है और अपने रेजिडेंशियल एरिया के पास है। कम से कम इससे 10,000 पब्लिक जो है इफेक्ट होगी इस इंडस्ट्री के लगने से। उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट हमारे हक में थी। हम PCB कठुआ को भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे हक में रिपोर्ट बनाई, लेकिन जो PCB जम्मू एंड कश्मीर है, चेयरमैन है, मेंबर सेक्रेटरी है, मैंने उनको कल फ़ोन किया और फ़ोन पर मैंने उनको ये सारी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन वो ये कहते थे कि ये इंडस्ट्री की लैंड है, इंडस्ट्री यहाँ पर पहले आई थी और ये इंडस्ट्री यहीं पर लगेगी। मैंने उनको कहा कि ये इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं लग सकती थी, इंडस्ट्री से पहले हम लोगों के यहाँ पर घर बने हैं, लेकिन इंडस्ट्री लगने से पहले पब्लिक हियरिंग करवाएगी। वो पब्लिक हियरिंग क्यों करवाएगी? पब्लिक हियरिंग इसलिए करवाएगी कि पब्लिक को पूछा जाए कि रेड कैटेगरी इंडस्ट्री लग सकती है कि नहीं लग सकती है। मैंने उनको सारी बातें बावजूद समझाने के बाद वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी बात से, उनकी मंशा से ये लगता है कि वो इस इंडस्ट्री के फेवर में है और इसको वो थोड़े दिनों में NOC दे देंगे। इस बात से डर से, क्योंकि हम पोल्यूशन से बहुत ही दस्त हो चुके हैं, हम कपड़े नहीं छत पे सुखा सकते, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे बीमार हैं। आज की डेट में गोविंदसर पंचायत जो है इसमें 25% जो बच्चे हैं आज की डेट में अपाहिज पैदा हो रहे हैं। हम पोल्यूशन से निजात पाने के लिए हमने पोल्यूशन डिपार्टमेंट से कहा है कि हमारी बात को जम्मू कश्मीर के चेयरमैन और मेंबर सेक्रेटरी तक पहुँचाई जाए, ताकि हमें कोई लिखित में वो एक ऐसी कोई लेटर दें कि हमें कहें कि ये इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं लग सकती। क्योंकि 2016 से हमें आश्वासन ही आश्वासन मिले हैं, 3 साल हो गए हम इस काम के पीछे पड़े हुए। हम चाहते हैं कि हमें कोई ठोस सबूत मिले पोल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से, इसलिए आज हम धरने पर बैठे हैं। हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हमें लिखकर नहीं देती कि ये इंडस्ट्री बंद होगी या नहीं होगी। आज हम यहाँ पे वापस इकट्ठा हुए हैं, फिर से हम 2016 की ये बात है और ये लगातार 19 आ गया है, और इसके बारे में अब ये सोचिए कि 3 साल से हम एक ही मुद्दे को लेके बैठे हुए हैं, और वो मुद्दा इतना संगीन है हमारे लिए, हमारी जिंदगियों के साथ वो खिलवाड़ है। अगर ये जो RK ग्राइंडिंग जो यूनिट है, अगर ये लगता है तो ये हमारे लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर जैसे अगर यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जो रिपोर्ट भेजी गई है वो अगर हमारे फेवर में है, अगर वो कह रहे हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लग सकती, तो ये जो हायर अथॉरिटी पे जो लोग बैठे हुए हैं ये कैसे डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ जी ये फैक्ट्री यहाँ पे लगनी चाहिए? इसका मतलब ये इनकी मिलीभगत है। हम यही बस हम आपके द्वारा हम यही इन लोगों के द्वारा के पास ये बात रखना चाहते हैं, पहुँचाना चाहते हैं कि आप लोग, हम लोग लोगों की हम जो भी हमारी प्रॉब्लम है इसको ज़रा आप ध्यान से सुनिए, अदरवाइज़ अगर ये पब्लिक सड़कों पर आ गई तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा।